पाकिस्तान की सियासत बदल नहीं रही बल्कि बदल गई है, ये हकीकत बन गई। तब्दीली शुरू हो गई है। सेनेट इंतहाबात के बाद अब आपस में लड़ाई बढ़ जाएगी। कौन बना करोड़पति, इस सेनेट के इलेक्शन में चीजें सामने आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राणा अज़ीम और आप देख रहे हैं राणा अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। पाकिस्तान की सियासत बदल नहीं रही बल्कि बदल गई है, ये हकीकत बन गई। खबर बहुत सी है लेकिन आज आपको तीन बड़ी खबरें दे रहा हूं। तब्दीली शुरू हो गई है। सेनेट इंतहाबात के बाद अब आपस में लड़ाई बढ़ जाएगी। कौन बना करोड़पति, इस सेनेट के इलेक्शन में चीजें सामने आ गई। बल्कि यह कह दें कि कौन बना अरबपति। इमरान खान की रहाई की तैयारियां, इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। आज इन खबरों पे डिस्कस करेंगे और मैंने पहले कहा था कि तीन नहीं चार वुजरा जा रहे हैं, अब आपको खबर दे रहा हूं छह वुजरा, दो सुबाई चार वफाकी, इन वुजरा पे क्रॉस लग गया है। किस तरह लगा यार। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान के हवाले से, कैदी नंबर 804 के हवाले से और शख्स के हवाले से, जिस शख्स के मुतलक कहा जाता है कि वो डटा हुआ है, उसने हिम्मत नहीं हारी और उस शख्स ने हर ऑफर को ठुकरा दिया। वो शख्स है इमरान खान, जिसके लिए आज पाकिस्तान के बैरूने मुल्क बैठे पाकिस्तानी गैर मुल्की तमाम के तमाम जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो आज यही चाहते हैं कि इमरान खान की रहाई हो जाए। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह इमरान खान को तोशाहाना केस में एक बड़ा रिलीफ मिला, हकीकत पर बबरी रिलीफ, रिलीफ ना कहें बल्कि इंसाफ की पहली सीरी शुरू हुई, तो उसके बाद अब इंसाफ की आखिरी सीरी भी आपको जल्द नजर आएगी। खबर यह दे रहा हूं कि इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से कोर कमेटी और अहम तरीन अफराद को हदायत जारी हो चुकी हैं। बहुत जल्द कारकुनों को यह पैगाम मिलना शुरू हो जाएगा कि तैयारी पकड़ लो, आपका कप्तान फला तारीख को जेल से रहा हो रहा है। कप्तान के इस्तकबाल की तैयारी, कप्तान का इस्तकबाल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। कप्तान का इस्तकबाल पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देगा और कप्तान के इस्तकबाल की तैयारी का हुक्मनामा जारी हो गया। सेनेट के इंतहाबात हो रहे हैं, इस पर भी डिस्कस करने हैं, लेकिन कप्तान के हवाले से आपको यह बता दें, याद करें मैंने दो दिन पहले अपने एक व्लॉग में कहा था कि कप्तान ने हुक्म दिया है कि तमाम रुपोश रहनुमा एक एक कर कर मंजरे आम पर आना शुरू हो जाएं, आए निकलें, सियासत करें, कानून का सामना करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें और साबित करें कि तहरीक इंसाफ अमन पसंद जमात है, तहरीक इंसाफ मुहिब्बे वतन जमात है, तहरीक इंसाफ अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। हमाद अजहर आ गए, हमाद अजहर ने ना सिर्फ आ गया है बल्कि जमानतें भी करवा ली हैं, बाकी जमानतें हो रही हैं और अब हमाद अजहर कानून नाफज करने वाले दारों के रूबरू पेश भी होगा। और हमाद अजहर पंजाब से एक बड़ी बड़ी तगड़ी तैयारी करके, बड़ी तगड़ी तहरीक, तहरीक क्या होगी, तहरीक होगी कप्तान के इस्तकबाल की, कप्तान की रहाई पर उसके इस्तकबाल की, बाकी लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब के अंदर जिमनी इंतहाबात तैयारी ये होगी। और हमाद अजहर आ गया है। अब हमाद अजहर के बाद आपको तीन और बड़े नाम अचानक सामने आते नजर आएंगे। मैंने मुराद सईद का आपको पहले बता दिया, वो भी आता नजर आएगा और जिस दिन कप्तान की रहाई होगी आपको वो तमाम के तमाम लोग जो इस वक्त मंजर से गायब हैं,
जो बावंजर से बिल्कुल पीछे हटे हुए हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं आपको सामने नजर आएंगे, खुलकर नजर आएंगे। और ना सिर्फ खुलकर नजर आएंगे बल्कि कप्तान के इस्तकबाल में भी वो शामिल होंगे। अब जरा बात कर लेते हैं केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर आइंदा 48 से 72 घंटों में एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, और यह बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नई तारीख को रकम कर देगा। मैं सबसे पहले तो उन दोस्तों से जरूर कहूंगा जो मेरे कमेंट्स में लिखते थे कि राणा साहब आप कहते हैं कि जमानतें हो जाएंगी, आप कहते हैं कि जब कम अप्रैल से यह काम शुरू हो जाएगा, हालांकि यह कम अप्रैल को मेरे बड़े अच्छे छोटे भाई शाही चौधरी की सालगिरह का भी दिन था, और मुझे पता था कि उसके सालगिरह के दिन पर खुशी का कोई ना कोई लम्हा आ जाएगा, और आया। एक उसकी सालगिरह की खुशी, दूसरी कप्तान की रहाई की खुशी, यानी कप्तान की जमानत सजा मुअत्तल होने की खुशी, और उसके बाद दो दीगर भी आपने देखी चीजें। मैं उन दोस्तों से कहूंगा कि आप अंदाजा लगाएं, अब आप खुद कमेंट्स में जाकर लिखें कि जनाब खबर किसकी सच्ची होती है, हकायक पे अपनी खबरें कौन देता है। अब जरा बात करते हैं सेनेट इंतहाबाद की। बन गए अरबपति, पहले होता था ना कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन अब बन गए हैं कई लोग अरबपति, और फिर बिका है वोट, फिर बिकी है सियासी वाबस्तगी, फिर बिका है जमीर, और फिर सौदे हुए हैं जमीरों के, फिर सौदे हुए हैं पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े ईवान में जाने के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की रकम देकर जमीर खरीदने के सौदे हुए हैं। सेनेट इलेक्शन हो गए आगे, लेकिन इन भी इंतहाबात को भी उसी नजर से देखा जाता है जिस नजर से फारा 45 और 47 के इंतहाबात को देखा। लेकिन जो लोग साबित कदम रहे वो ताहयात कायम रहे, और जिन लोगों ने साबित कदमी नहीं रखी जो बन गए अरबपति, अब उनके खिलाफ भी होने लगा है एक बड़ा एक्शन। मैं आपको खबर दे रहा हूं, एक बड़ा एक्शन होने लगा है उनके खिलाफ। अगली खबर दे दूं, मैंने आपको कहा था कि चार वफाकी वजरा जो है फारिग हो रहे हैं, उनको फारिग करने का फैसला हो चुका है। ख्वाजा आसफ के बयान के बाद यह काम शुरू होने वाला है, और अब आपको साथ यह खबर दे दूं कि दो सूबाई वजरा की भी छुट्टी होने वाली है। इन छह के छह वजरा का तल्लक हुकूमती इत्तेहाद से है, और इन छह के छह वजरा की फरागत, इनकी बिल्कुल छुट्टी ना सिर्फ तैयार है बल्कि आपको ईद के बाद आपको यह खबर नजर आएगी कि इतने लोगों से उनकी वजारतें वापस ले ली गई हैं, और इतने लोगों को बिल्कुल कहा गया कि सिर्फ आप जहां तक हैं वहीं तक रहें, इससे आगे आपका कोई काम नहीं है। मेरे पास अहम तरीन जराए इस बात का भी इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस आखिरी अरशरे में और उसके बाद इसी अप्रैल के महीने में जहां कप्तान को बहुत बड़े मजीद रिलीफ मिलेंगे, वहीं पर हुकूमत पर मुश्किल तरीन वक्त आएगा, और हो सकता है कि एक बड़ा इस्तीफा आ जाए। हो सकता है उस बड़े इस्तीफे के आने से बहुत से लोग दोबारा असेंबलियों से बाहर हों। कौन होगा इस्तीफा, किसका होगा इस्तीफा, कौन देगा इस्तीफा, बताएंगे आपको अगले ब्लॉक में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।